सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू फिश ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में यार हम आपको अपडेट देने वाले हैं हमारे फर्स्ट मॉन्स्टर टैंक का, क्योंकि यहाँ पे हमारे ओस्का फिश की हो चुकी है डेथ, जो कि हमारा टाइगर ओस्का फिश था। मैंने आपको बताया था उसको वाइट वॉर्म्स ने अटैक कर दिया था उस पर, एंड उसकी हो चुकी है डेथ उसी रीज़न की वजह से। एंड बाकी हमारे सारे के सारे सिकलेट्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, आप देख सकते हो। एंड हमारा मैंगो ओस्का एंड हमारा फायर रेड ओस्का, इनकी थोड़ी सी ग्रोथ यहाँ पे रुक चुकी है। एंड हमारा एल्बाइनो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। एंड उसी के साथ आप हमारा कैटफिश भी देख सकते हो, तो इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। एंड भाई ने हमें कल कमेंट भी किया था कि आप इसको अलग कर दें, तो भाई अभी ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, देन ये बड़ा हो जाएगा, देन हम इसको अलग कर देंगे। एंड यहाँ पे आ चुका है हमारा सेवरम सिकलेट का मेल फिश। फीमेल भी है हमारे पास, बट वो इससे थोड़ी सी बड़ी है, जिस वजह से अभी मैं उसको यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे ओस्का पे भी अटैक करती है। एंड यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल सा फिश हमारा सिल्वर एडवाना रेड टेल के साथ। एंड बाकी आप देख सकते हो यार ये कितने ज़्यादा एक्टिवली यहाँ पे स्विम कर रहे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अब मेरे टेम हो चुके हैं, देख सकते हो। मैं इनके करीब आता हूँ तो स्पेशली हमारा सेवरम सिकलेट भी ओस्का की तरह बिहेव करता है बिल्कुल, आप देख सकते हो। तो जैसे मैं टैंक के नज़दीक आता हूँ तो सारे के सारे फिश हमारे तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमसे फीडिंग मांगते हैं, तो जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल टैंक है हमारा, तो देखते हैं नेक्स्ट फिश हम यहाँ पे कौन सा ऐड कर सकते हैं। आपने मुझे कमेंट करके बता देना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुके हैं मैं कोई भी न्यू फिश लेकर नहीं आया हूँ। एंड इसी के साथ आपको लेके चलते हैं हमारे दूसरे टैंक की तरफ। सो हियर्स माई सेकेंड फिश टैंक, एंड यहाँ पे हैं सिर्फ हमारे मोस्ट ऑफ फिशेस। जैसे कि आप देख ही सकते हो, हमारा पाकू आ चुका है, हमारा जाइंट गुरामी आ चुका है, एंड हमारा छोटा वाला पाकू फिश। तो इनका पेयर काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमारे दूसरे फिश यहाँ पे हम ऐड तो नहीं कर सकते, बट फाइनली इनका टैंक सेटअप कंप्लीट हो चुका है। हमारा जाइंट गुरामी पहले पोंड में रहता था, एंड अब रहता है भाई इनके साथ। एंड इसके टीथ आप देख सकते हो तो कितने ज़्यादा बड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुका है। स्पेशली हमारे जाइंट गुरामी के इतने ज़्यादा बड़े टीथ नहीं होते हैं, बट फिर भी भाई ये इनके साथ काफ़ी इजीली रहता है। एंड इसका कलर भी आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा पिंकिश कलर इसका होना शुरू हो चुका है। एंड स्पेशल हमारा पाकू फिश जो है ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से, ये तो अभी न्यू ही लेकर आया था मैं, तो इसकी भी ग्रोथ होना काफ़ी अच्छे से शुरू हो चुकी है। बट हमारा पुराना पाकू आप देख सकते हो भाई, हमारे जाइंट गुरामी जितना बड़ा हो चुका है। तो ये टैंक सेटअप मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, बट यहाँ पे एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो जिस वजह से यहाँ पे हम कोई भी न्यू फिश ऐड करने का नहीं सोच सकते हैं। एंड इसी के साथ आ चुके हैं यहाँ पे हमारे टर्टल्स। तो भाई ने हमें कमेंट किया था कि आप हमें यूवी लाइट के लिए कुछ मनी वगैरह डोनेट कर सकते हो, तो यार भाई मैं आपको बता दूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप एक्चुअली रहते कहाँ पे हो, आपका एड्रेस क्या है, तो उस हिसाब से देखेंगे फिर, देन हम यूवी लाइट के बारे में सोचेंगे कि आपको गिफ्ट करना चाहिए नहीं। तो आपने मुझे कमेंट करके बता देना है कि आप एड्रेस क्या है, या फिर आप अपना कॉन्टैक्ट शेयर कर सकते हो मुझे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैं इनको यहाँ पे श्रिम्प खिलाता हूँ, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ के क्रिएचर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो फिश है, स्नेल्स होते हैं, श्रिम्प वैसे काफ़ी ज़्यादा है, बट इसके अंदर मिक्सअप है सब हर चीज़ का। तो ये है वो श्रिम्प का पैकेट जब मैं इनको खिलाता हूँ, एंड जो मैं रेगुलर इनको पैलेट्स फीड करता हूँ वो आ चुके हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देख सकते हो। तो ये रेड कलर के पैलेट्स हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसको इन्जॉय करके खाते हैं, बट अभी मैं जस्ट इनको श्रिम्प खिला रहा हूँ। एंड इसी के साथ हमारा कोई पोंड भी हमने फाइनली आज क्लीन कर दिया है, तो इसको क्लीन करने में लगता है काफ़ी ज़्यादा टाइम, क्योंकि इसका फिल्टर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, पोंड भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट फाइनली हमने इसका सेटअप कर दिया है। एंड भाई अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ हमारा फिश सेटअप, देख सकते हो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो क्लीन करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा ब्लूइश कलर का आपको दिख रहा होगा, देख सकते हो, वैसे ये ग्रीनिश कलर का हो जाता है क्योंकि सनलाइट यहाँ पे डायरेक्ट आती है, जिस वजह से एल्गी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जल्दी मतलब लगना शुरू हो जाती है। तो बाकी आप देख सकते हो क्लीन होने के बाद कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है ये। एंड साथ में आपको मैं हमारे कबूतरों का अपडेट दे दूँ, तो ये देख सकते हो ये रहे हमारे छोटे वाले कबूतर, तो ये सेम ही टाइम में लेकर आया था मैं लगभग, बट इसकी आप ग्रोथ देख सकते हो, तो इनसे ये डबल साइज़ में हो चुका है। तो फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा कि हमारे पास कबूतर कोई जो है वो इतने लंबे टाइम तक सर्वाइव किया हो एंड इतना बड़ा हो चुका हो, स्पेशली हमारे कोई पॉन्ड के अंदर। एंड भाई ने हमें कमेंट भी किया था कि आप कब यहाँ पे सेटअप करने वाले हो गप्पीज का, तो गप्पीज का भी अपडेट मैं आपको काफ़ी जल्दी दे दूंगा, अभी शॉप में अवेलेबल है नहीं, तो जैसे ही होते हैं वैसे ही हम अच्छा सा सेटअप कर देंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हमारे गुरामी फिश प्राइस का भी अपडेट देने वाला हूँ, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, तो लगभग एक मंथ ही हो चुका है मैंने आपको उनका अपडेट नहीं दिया है। तो आज की वीडियो को हम तो यहीं पे करते हैं एंड, क्योंकि आज कोई ज़्यादा स्पेशल अपडेट है नहीं, मैं आपको कल हमारे गुरामी फिश के प्राइस दिखाऊंगा, तो कल वाले वीडियो को आपने ज़रूर से देखना है। तो मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन बाय।